अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां जहां देश विदेश में देखी गई, वहीं अंधेरी पूर्व में भी जगह जगह पंडाल बनाकर राम भक्तों ने सुंदरकांड पाठ व भजन कीर्तन के आयोजन किए। सामाजिक संस्था ब्राह्मण सेवा संघ की ओर से भी अंधेरी पूर्व में नागरदास रोड स्थित संस्था के कार्यालय पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। संस्था की महिला पदाधिकारी पुष्पा त्रिपाठी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने सुंदरकांड पाठ कर अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां मनाई। दीपावली में सब लोग दीपावली मनाते हैं, वैसे आज राम जी के लिए हम लोग भी मनाए दीपावली। आज पूरे पब्लिक को देश में इतनी खुशी है, आज राम जी का वहाँ जन्म का मतलब स्थान दिया जा रहा है। इसके लिए आज हमारे ब्राह्मण समाज भाई लोग क्या बोले, हम लोग भी सुंदरकांड कराएंगे। सुंदरकांड हमारा जोरदार हुआ। रामचंद्र जी के अयोध्या में आने के लिए खुशियाँ मना रही हूँ। 14 वर्ष वनवास से आ रहे हैं, इसके लिए अयोध्या में खुशियाँ मना रही हूँ। ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष रामजी पांडे द्वारा आयोजित इस सुंदरकांड पाठ का लाभ लेने मुंबई की कई जानी मानी हस्तियाँ उपस्थित हुई। देश में मनाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं, पुरुष, बूढ़े जितने भी हैं, आज के जैसा कभी जीवन में देखने को नहीं मिला। दिवाली भी इतने उत्साहित नहीं मनाई जाती थी जैसे आज मनाया जा रहा है। आज का त्यौहार दिवाली से भी बढ़ चढ़ के है। प्रभु श्री राम जी भगवान हम लोग के कण कण में व्याप्त है, हिंदुस्तान के जन जन में व्याप्त है। आज इस शुभ अवसर पर सभी हिंदुस्तान को सभी लोग ढेर सारी शुभेच्छा सुमावना, इसके साथ नरेंद्र मोदी जी को भी ढेर ढार आशीर्वाद शुभकामना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आज अपने मर्यादा में पुनः स्थापित हो गए हैं और पूरा देश गौरवान्वित है। आज 500 साल के बाद राम जी हमारे घर में पधारे हैं और पूरे देश में राममय का माहौल है और पूरे देशवासी खुशी मना रहे राम जी के आने से। सभी ने अयोध्या में हो रहे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की खुशी अपने अपने शब्दों में व्यक्त की। 24 का ये 22 जनवरी इसलिए याद किया जाएगा कि भगवान के संघर्ष को घर घर में लोगों ने दीप जलाकर स्वागत किया था 1947 में। 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली थी, लेकिन सांस्कृतिक चेतना का शंखनाद मोदी जी के नेतृत्व में जो आज मिला है, ऐसा लग रहा था कि पूरा देश ही नहीं, मैं मॉरिशस में भी बहुत से अपने साथियों से बात कर रहा था, जो मॉरिशियन है वो लोग भी अपने घर में घी का दीपक जलाकर भगवान के आने की प्रतीक्षा में तब तक बैठे रहे जब तक भगवान की स्थापना नहीं हुई। तो ये बहुत क्रांति का है और सांस्कृतिक आज़ादी का आज पर्व मनाना चाहिए। सभी हिंदुओं के लिए, सभी सनातनियों के लिए आज गौरव का क्षण है और निश्चित रूप से आज के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से फिर से इस देश में रामराज आएगा। ये देश में 140 करोड़ पॉपुलेशन है और पर्व मनाना बहुत अच्छी बात है। आज देख ही रहे हैं, आज पूरा देश राममय हुआ है। पूरा देश क्या, मैं तो कहूँगा पूरा विश्व राममय हुआ है। संजय दुबे के साथ मैं विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज़, मुंबई।